लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर हमने देखे थे। फोल्डर अपना रिनेम करो आज की डेट में, ये हमारा लास्ट क्लास का फोल्डर है। और ठीक है, तो वीएस कोड में आइए, कॉपी पेस्ट, और जावा जो है ना वो पूरा क्लास और ऑब्जेक्ट पे बेस्ड है, उसमें टोटल क्लास और ऑब्जेक्ट चलते हैं। और सबसे ज़्यादा जो यूज का होता है वो एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए होता है। जब तुम जावास्क्रिप्ट पढ़ लोगे ना, जावास्क्रिप्ट से तो खैर नहीं क्योंकि जावास्क्रिप्ट में तो हम लोग डेप्थ में नहीं जाएंगे, जैसा पीएचपी पढ़ लोगे, रिएक्ट पढ़ लोगे, तो आपको जावा फिर बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी अपने आप ही। ठीक है, नोट लेकर दे दूंगा उसको किस तरह से काम कर रही है। हाँ मेरी आवाज़ कट रही है, रुको मैं भी फेविक, अभी मैं इस पर फेविक लगाता हूँ। हमारी बिल्डिंग में भी थे कैसे ना, तो जनरली वो भी मतलब वो कोर प्रोग्रामिंग में ही थे, मतलब उनका फ्रंट एंड से कोई लेना देना नहीं, टोटल बैक एंड पे उनका काम था। तो जनरली उनकी कंपनी जो थी ना हर साल को पेरिस भेजती थी कि जाओ वहाँ पर आराम से महीना भर हॉलीडे बिता के आओ अपना। अभी वो बेंगलोर में है इस वक्त, अकेले भेजती थी सोलो। वो कहते वहां कोई सरदर्दी नहीं। अकेले जाओ, डेवलपर की जिंदगी वैसे ही खराब रहती है यार। अब सोचो यार कि डिजाइनर का तो फिर भी इतना कोई लोड नहीं होता, चलो वो जुगाड़ करके कुछ कर लेगा, डेवलपर का क्या जुगाड़, वो बेचारा रात को सो रहा है तो भी लॉजिक ही सोच रहा है कि कल वाले में क्या लगाऊंगा। तो इसलिए कंपनी के अंदर ना डेवलपर को जहाँ बैठाया जाता है वो पूरा एरिया प्रोमाइस एकदम डीप साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस को बोलते हैं, वैसा एरिया होता है जहाँ उसको डिस्टर्ब ना करें, नहीं तो क्या करेगा ओवर हेडफोन लगाएगा ओवर दियर और अपना आराम से कहीं भी बैठ सके अपना काम करना चालू कर देगा। क्योंकि अब मैं जैसे कुछ काम कर रहा हूँ, एग्जाम्पल दूंगा, पीछे से कोई बोलता है मेरी लैब नीचे क्यों है, वो इसी वजह से ऊपर मुझे डिस्टर्बेंस होती है बहुत ज़्यादा, मुझे यहाँ बोलना भी है, साथ में दिमाग को कोड भी प्रोसेस करना है, स्क्रीन पर लेके भी आना है, उसको चलाना भी है, और पीछे दूसरी आवाज़ लैब से शोर आ रहा है, नहीं चल पाता वो चीज़। अब ऐसा होता है कई बार कि जैसे ना काम कर रहे हो तो फैन की आवाज़ भी रिटेट कर रही होती है, ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। यहाँ तो ये भी नहीं कि गाना बजाओ काम कर लो, डिस्ट्रक्शन होता है।
तो आज की डेट में हमने फोल्डर को अपना किया है। तो लास्ट क्लास हमने बनाया था असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसमें हमारा मेन पर्पस था ये सीखना कि भाई किस तरह से आप किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन कर दो। तो मैंने इसको बेसिकली यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर करके दिखा दी थी कि रीअसाइनमेंट वगैरह आप कैसे करा सकते हो इसके अंदर। तो आज हम लोग देखें अरिथमेटिक ऑपरेटर। क्लिक ओपन विद लाइव सर्वर, तो ये हमारा आउटपुट आ गया इसका। अब यही मैसेज लिखने का दो तरीके हो सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हो और इसको आप कॉन्केटिनेट करके ऐसे भी लिख सकते हो। जैसे हमने यहाँ से यहाँ तक अलग किया मैसेज, इसको हमने अलग डिफाइन किया और यहाँ पर इस तरह से इसका भी आउटपुट सेम ही आएगा। तो कई बार आपको ऐसा भी मिल सकता है, कई बार आपको डायरेक्ट भी मिल सकता है, दोनों का काम एक ही होता है। चलिए तो डॉक्यूमेंट ऑफ राइट करेंगे हम लोग यहाँ पर, और पहला हम लोग टॉपिक बना लेंगे एडिशन या सबमिशन। लिखेंगे सबमिशन या एडिशन, इसको यहाँ से हटाइए और यहाँ पर जाके आप क्या लिखेंगे, प्लस एक्स और वाई का हम लोग क्या करेंगे इसमें टोटल। अब ये जो हम लोग काम करें ये क्या है हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर, यानी कि दो चीज़ों को टोटल अगर आपको करना हो तब आप इस तरह से काम करें। और यहाँ पर लोग क्या डिफाइन करेंगे, बी आर फॉर ब्रेक। तो एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो डिवीजन के लिए क्या लगाते हैं, डिवाइड सिंबल, मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस। सेव करो, वेब ब्राउजर में चेक कीजिए, आपको सभी का रिजल्ट यहाँ पर डिस्प्ले। नेक्स्ट, इसके अलावा आपको एक और मिलता है जिसको बोलते हैं रिमाइंडर। तो यहाँ लिखिए ऑफ 10 एंड 3 इज, तो मैं यहाँ पर जाकर डिफाइन करूँगा इसको एक्स, हाँ परसेंटेज, वही जो मैथ में चला जी। तो 3 3 9 हो गया, बचा गया 1, तो हमें 1 इसका रिटर्न यहाँ पर मिल जाएगा। आ गया पर यानी कि जब आप कोई वैल्यू डिवाइड कर दो किसी भी डिफरेंट वैल्यू के साथ, तो हमारे पास एक है 10, दूसरा है 3, 3 3 कितना होता है 9, तो इक्वली डिवाइड हो गया, रिमाइंडर क्या बचा आपके पास, 1 रह गया ना, तो जो नहीं हुआ वो आपको रिमाइंडर में रिसीव हो जाता है। इसी तरह से होता है प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट मतलब कोई भी वैल्यू प्रिंट कराने से पहले उसमें इंक्रीमेंट कराना, तो लिखा प्री इंक्रीमेंट ऑन एक्स, हम यहाँ जाके लिखेंगे एक्स से पहले 2 प्लस। तो यहाँ पर अभी एक्स की वैल्यू क्या 10, सेव करिए और नीचे आके ज़रा चेक करिए वैल्यू क्या रिटर्न आ रही है, 11, यानी कि प्रिंट होने से पहले उसमें इंक्रीमेंट होकर हमें रिसीव हो जाएगा। ऐसे होता है आपका पोस्ट इंक्रीमेंट। और प्री और पोस्ट में क्या डिफरेंस आता है कि आपका एक तो ऑपरेटर जो होगा वो आगे जाएगा इस तरह से, लेकिन यहाँ पर इंक्रीमेंट जो है आपको वो नहीं मिलेगा। वैल्यू क्या है, 10 है ना, यहाँ पर वैल्यू कितनी है एक्स की, 11, तो आपको 11 ही आना चाहिए इसका आउटपुट। अब इंक्रीमेंट का मतलब क्या, पोस्ट, यानी कि अब जब तुम दोबारा इसको चलाओगे तो 12 हो जाएगी वैल्यू।
मतलब प्रिंट होने से पहले ही ऐड होके आएगा उस, मतलब एक बार जो वेरिएबल वैल्यू वो आएगी फिर नई वैल्यू आपकी ऐड होके आएगी उसके अंदर। सिमिलरली पोस्ट डिक्रीमेंट प्री डिक्रीमेंट होता है। चला दोगे तब जाके इसका आपको पोस्ट इंक्रीमेंट में रिजल्ट दिखाई देगा। तो देखो हमने अभी एक्स की वैल्यू कितनी थी 10, हमने प्री इंक्रीमेंट किया कितना हुआ 11, फिर हमने पोस्ट इंक्रीमेंट एक बार रन किया तो हुआ 11, फिर हमारा 12 हुआ, फिर हमने यहाँ से क्या करा प्री डिक्रीमेंट। ठीक है तो दो बार हम लोगों ने चलाया, इसमें ऑपरेटर हमारा सही लगा कि नहीं लगा जरा बार देख लेना, प्री डिक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट, तो हमारी वैल्यू 12 12 11 सही है, सही काम कर रहा है। पोस्ट आगे चलता है, प्री वेरिएबल से पहले ऑपरेटर लग जाता है आपका। तो ये है आपके क्या अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो इसमें जो हम लोगों ने ऊपर ये वाली एक्सरसाइज की थी अपनी इस तरह से कहाँ गई, ये वाली इस तरह से, तो ये मैंने इसलिए कमेंट आउट कर दी थी सारी चीज़ें। तो ये आपके बेसिकली इसका पार्ट नहीं होंगे, इसका जो आउटकम है वो बेसिकली ये वाला है असाइनमेंट। एक्स में जो है वाई की वैल्यू को साइन करें, यहाँ पर वाई की वैल्यू को माइनस करा रहे हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई करें और यहाँ पर डिवाइड करें, तो असाइनमेंट हो गया, अरिथमेटिक हो गया। फिर हमारा क्या था कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन में आप इस फाइल को यहाँ से आगे सेव एज करोगे, वेरिएबल वैल्यू बना लो, जैसे एक्स है वाई है हमारे पास, एक और जी को मैं फिर से 10 वैल्यू ले लेता हूँ, और एक और वेरिएबल बना लेता हूँ जैसे कि डब्ल्यू, डब्ल्यू को मैंने यहाँ पर वैल्यू दे दिया लाइक 10। चलो यहाँ लिखेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर, और यहाँ पर जाके हम डिफाइन करेंगे। अब जब भी आप कंपैरिजन परफॉर्म करते हैं तो कंडीशनल चलता है, यानी कि आपको इफ की रिक्वायरमेंट आती है, तो आप यहाँ जाके डिफाइन करेंगे इफ। लेकिन इससे पहले आपको इफ एल्स पढ़ लेना चाहिए तभी आपको समझ में आएगा, तो इसको टॉपिक को होल्ड करो। तो आज हम लोग लास्ट क्लास वेरिएबल हो गया था लेट वेयर कॉन्स्टेंट सब हो गया था, तो इफ पढ़ सकते हैं हम लोग। एक टॉपिक बना लो न्यू फोल्डर जावास्क्रिप्ट, और इसके अंदर बनाएंगे जावा स्क्रिप्ट कंडीशन इफ एक्सटेंशन डॉट एचटीएमएल। कंडीशन मतलब कि जहाँ पर हम लोग कुछ चीज़ें लॉजिकली परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक वेरिएबल, और उसके अंदर हम लोग एक वैल्यू स्टोर करा देते हैं वेरिएबल में, ए के अंदर क्या लिखा हमने फॉल्स। अब ये जो फॉल्स है हमने डबल कोट में नहीं लिखा, ये क्या है बूल वैल्यू, बूल मतलब बुलियन, बुलियन में दो ही चीज़ चलती है, तो ट्रू या फॉल्स, तो हमने ए की वैल्यू को डिफॉल्ट क्या बना दिया फॉल्स, ये गलत है। अब आप यहाँ पर जाके लिखोगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर कंडीशन लगा लो, लिखिए इफ, इफ हमने लिखा ए और यहाँ पर जाके हमने इसको डिफाइन करा, और यहाँ जाके लिख देते हैं ए इज
फॉल्स, ठीक है, ए की वैल्यू क्या हमारी फॉल्स है। तो ध्यान रखना है कि अगर आपकी ए की वैल्यू फॉल्स है, ठीक है, तो कंडीशन जनरली क्या होता है कि जब इफ फॉल्स होता है या ट्रू होता है तो उसके ऊपर कुछ आपको रिजल्ट थ्रो करता है। तो जैसे एग्जांपल के लिए हमें यहाँ पर लिखा कंसोल डॉट लॉग और क्या लिखा है पर ए इज फॉल्स, जरा इसको चला के देखो और F12 दबा के देखो यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, कोई आउटपुट आ रहा है नहीं आ रहा ना, ऊपर एस क्यों आ रहा है लिखा हुआ, कहीं पर कुछ छूट गया हुआ है, जरा देखो ये यहाँ गलती है। मैं वही कहूँ, मैंने स्ट्रिंग में तो कुछ डिफाइन है नहीं तो ऊपर एस क्यों आया, तो फिलहाल नहीं आ रहा ना। अब जरा ए की वैल्यू को ट्रू करके हो और यहाँ लिखो ए इज ट्रू। अब जरा नीचे देखना यहाँ पर क्या लिखा रहा है, ए इज ट्रू। तो इफ कब चलता है, जब इफ की कंडीशन ट्रू होगी, अगर इफ फॉल्स होगा तो उसका कोई भी रिजल्ट नहीं होता, ठीक है। तो एग्जांपल मैं यहाँ पर एक मैसेज लिख देता हूँ इसके ऊपर, ये तो हो गया कंसोल में चेक करने के लिए, हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट टू अरीना एनिमेशन, हमने एक मैसेज लिखा, इसके हम टर्मिनेट करेंगे। सो ए की वैल्यू अगर ट्रू होगी तो ये तो हो गया हमारे लिए, एंड यूजर से कोई मतलब नहीं, वो यहाँ इसको चेक करेगा, तो यानी कि यहाँ पर क्या लिखा रहा है, मैसेज प्रिंट हो रहा है। अब अगर मैं ए को फॉल्स कर दूंगा तो इसका कोई भी आउटपुट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो एक तो हो गया, इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या बना सकते हैं, हमने एक वेरिएबल बनाया और मैं अपन जाके क्या लिखा है, नेम लाइक टुडे, टुडे इक्वल टू हमने क्या रख दिया लाइक न्यू डेट, ठीक है। हमने यहाँ पे जाके लिखा वेरिएबल HR इक्वल टू टुडे डॉट गेट आवर्स, हमें घंटे गेट करने, हमने लिखा इफ HR इज ग्रेटर देन 12, तो यहाँ पर आ जाए लिखा मैसेज गुड डे। तभी टाइम क्या हो रहा है हमारे कंप्यूटर में, 1:01, तो टाइम 12 से ज़्यादा है तो क्या आएगा मैसेज, गुड डे आना चाहिए ना। तब क्यों, और मैंने यहाँ पर एक ऑपरेटर परफॉर्म करा दिया उसमें ग्रेटर देन, यही है कंपैरिजन, हम कंपेयर कर रहे हैं कंप्यूटर के टाइम को और मेरी कंडीशन को, तो क्या आउटकम है ज़रा देखो, गुड डे काम कर रहे हैं। अब मान लो आपने यहाँ पर चेक करा था कि HR इज लेस देन 12, तो क्या लिखा है, गुड मॉर्निंग। क्या टाइम 12 से कम है एक्चुअल में हमारे कंप्यूटर में, नहीं है ना, तो यानी कि कंडीशन क्या हो गई अपने आप फॉल्स हो गई ना। जरा आउटपुट चेक करके देख लो, कोई आउटपुट नहीं आ रहा, समझ आया कुछ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इसका। तो ऊपर मैंने ट्रू फॉल्स खुद से किया, यहाँ पर कंडीशन मेरी ऑटोमेटिकली ट्रू फॉल्स हो रही है, वो कंप्यूटर से ये कंपेयर करेगी कि कंप्यूटर का जो टाइम है वो 12 से ज़्यादा का है और हम यहाँ पर चेक करा रहे हैं 12 से कम, तो क्या हो गया फॉल्स हो गया, है ना। इस तरह से कुछ भी बना सकते हो, HR यहाँ पर आर्स है हमारे, हमने HR के अंदर क्या रखा हुआ, गेट आर्स रखा हुआ ना, तो ऐसे ही मैंने इसको HR नेम रख दिया शॉर्ट में, नहीं तो पूरा लिख लो। वेरिएबल नेम ऑलवेज इज यूजर डिफाइंड, वेरिएबल नेम कभी भी प्रीडिफाइंड नहीं होता, ठीक है। तो आप पूरा लिखना चाहो पूरा लिखो, शॉर्ट में लिखना चाहो शॉर्ट में लिखो, लेकिन अब हर जगह आप एक्स वाई जेड लगाने स्टार्ट कर दोगे तो दिक्कत होगी ना, फिर समझ नहीं आएगा कोड में कि मैंने कौन सा चीज़ किस लिए डिफाइन किया हुआ। तो वेरिएबल हमेशा मीनिंगफुल होने चाहिए, मोर डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। ऐसा नहीं कि ए बी सी डी ई एफ जी चलाते जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं ए में क्या वैल्यू रखी हुई है, आगे जाके भूल गए या कुछ, अभी तो चलो याद है, एक हफ्ते तक, दो तीन हफ्ते बाद या दो महीने बाद ढूंढोगे पता नहीं क्या रखा था हमने उसके अंदर वैल्यू। तो इसलिए हमेशा इस तरह से नाम रखो ताकि देखते ही समझ में आ जाए कि मैं इसमें क्या डिफाइन करता हूँ। तो हर डेवलपर का, हर कोडिंग करने वाले बंदे का अपना एक स्टाइल होता है, ठीक है। तो आपको अपना स्टाइल ऐसा होना चाहिए जो टीम वर्क में चले, यानी कि दूसरे को भी इजीली अंडरस्टैंड हो पाए कि आपने क्या रखा होगा इसके अंदर, है ना। चलिए, तो इसका हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा यहाँ पर, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ या मैं हटा देता हूँ उसको, कमेंट कर देता हूँ। अभी हमारा क्या है, पर फॉल्स की वजह से ये रिजल्ट नहीं आ रहा है, ट्रू कर दोगे तो इसका रिजल्ट आपको दिख जाएगा, ठीक है। अब नीचे वाली कंडीशन में फॉल्स और अगर मैं ग्रेटर देन कर देता हूँ तो मुझे इसका आउटपुट दिख रहा होगा, हैव अ गुड डे,
चाहते हो अलग अलग लाइन में, तो आप यहाँ से इसमें बीआर भी लगा सकते हो ऐसे, तो ये दो अलग अलग लाइन में रिजल्ट आ रहे होंगे आपके पास। तो ये क्या हमारा इफ कंडीशन। अब बात करते हैं एल्स कंडीशन की, तो यहाँ पर जाके हम लोग डिफाइन करेंगे जावास्क्रिप्ट कंडीशन इफ एल्स। इफ एल्स का मतलब ये हुआ कि अगर इफ फेल हो गया तो एल्स काम करेगा, समझ गए। एग्जांपल के तौर पर ऐसा समझो कि भाई हमने यहाँ पर लिखा है ट्रू, ठीक है, एल्स हमने जाके लिख दिया ए इज ट्रू और हियर ए इज फॉल्स। इसको मैं हटा देता हूं, यहां पर मैंने बाय डिफॉल्ट क्या रखा है, ठीक है, ए की वैल्यू फॉल्स है, इसको यहां से हटा दो। अब क्या चलना चाहिए, एल्स यानी ट्रू। ये देखो क्या लिखा रहा है, इज ट्रू, यानी कि स्क्रीन ब्लैंक ना जाए, नहीं तो यूजर सस्पेंस भी हो गया है ना। अब जैसे घर में क्या होता है कई बार कि भाई एग्जांपल ऐसा समझो कि भाई आपको कोई फेस चला गया है ना, पड़ोसी की लाइट आ रही तुम्हारी नहीं आ रही, तुम सस्पेंस में, ऐसे पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया, तो कुछ तो एरर कोड होना चाहिए ना कंट्रोल पैनल में कि भाई लो वोल्टेज है क्या। तो आज के डेट में जो डिजिटल एमसीवीज आ गए हैं उसमें क्या होता है, लिखा था एल ओ, मतलब आपके वोल्टेज लो हो रखे हैं, इस वजह से आपका नहीं चल रहा है ना। अदरवाइज वहाँ पर क्या होगा, नंबर्स आते रहते हैं कि वोल्टेज करंट में कितने चल रहे हैं। तो आज के डेट में क्या है, स्मार्ट एमसीवीज जो आ गई है उसमें ये सिस्टम है कि आप उसमें रेंज सेट कर देते हो कि 240 प्लस जाए तो लाइन कट ऑफ हो जाए, तो उसमें हाई ऐसा ही लिखा जाता है, ठीक है। और अगर आपका वोल्टेज 200 से बिलो चले जाए, कोई मेरे अप्लाइंसेस खराब ना हो, तो हम लोग उस पर कट ऑफ लगा देते हैं, लाइन काट दो तब उस केस में। नहीं तो सामान क्या होगा, आप एसी वगैरह चला रहे हो, हैवी लोड चला रहे हो, वायर गर्म होगी और हीट होकर फिर आपकी चिपक जाएंगे आप उसमें। तो आज के डेट में ये वाली एमसीवीज आ गई, अब वाली नहीं मैनुअल वाली जो होती है, वो जिसका बजट नहीं तो वो लगा ले, जिसका बजट अच्छा एक एमसी 1500 रुपये की आती है मिनिमम तो वो लगा ले, तो उससे क्या है सेफ्टी होगी अपनी। क्या करते हैं पूरे घर के ऊपर हम लोग एक बड़ी एमसीवी लगा देते हैं जिसके अंदर सारे कंट्रोल है ना, कि मान लो कि घर में किसी को करंट लग गया तो लाइन कट अपने आप, जिसको बोलते हैं आरसीसीबी। एमसीबी के ऊपर आती है आरसीसीबी, जो इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होती है कि तुम्हें करंट लगा, तुम्हें फील होने से पहले बंद, तुम्हें महसूस नहीं हो मुझे करंट लगा, लेकिन वो डिवाइस सेंस कर लेगी भाई सर्किट कहीं लीक हुआ है, फट से लाइन बंद, नैनो सेकंड में, एक सेकंड में 1000 मिली सेकंड्स होते हैं और वो आपका 500 मिली सेकंड से पहले इम्प्लीमेंट हो जाता है सेकंड के हिस्से में, तो तुम सेफ। अब जैसे ये टाइम चला ना बारिश का, तो इसमें अर्थ लीकेज बहुत ज़्यादा होती है घर में, उस टाइम पर बहुत सेफ्टी देता है। तो ये हमारा इफ और एल्स का एग्जांपल। तो जैसे मैं इसका एग्जांपल बनाऊंगा कुछ इस तरह से, ये तो मैंने जस्ट ऐसे दिखा दिया पिछले एग्जांपल के साथ, हमने एक वेरिएबल बनाया मार्क्स, मार्क्स में हमने एक वैल्यू रख दी क्या 34, ठीक है। अब हमें लोग यहाँ पे लिखेंगे इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35, तो हमने यहाँ पे जाके लिख दिया यू आर पास एल्स यू आर फेल, ठीक है। अभी क्या आएगा आउटपुट, फेल आएगा साक्षी, फेल क्यों, आपने बोला था ना वो जो एल्स लगाते जो फॉल्स वाला स्टेटमेंट है, हाँ कोड समझ में आ रहा है, कोड क्या है, नहीं नहीं हम तो आज की बात करते हैं, आज ही शुरू किया हमने, हाँ तो इसका इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, यू आर फेल क्यों, अरे भाई हमारा वेरिएबल के पास वैल्यू कितनी है 34, हम चेक कर रहे हैं कि क्या वैल्यू इससे ज़्यादा है ग्रेटर देन इक्वल टू 35, जो कि नहीं है। एक्स मार्क्स की वैल्यू क्या है
34 है ना, और हम क्या चेक कर रहे हैं, तो फॉल्स हो गया ना। देखो ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू, या तो वैल्यू से ज्यादा हो या उसके बराबर हो। बट वो सिंबल अब जैसे जैसे लेट्स सपोज 34 और 35 बीच में एक सिंबल है इधर की तरफ, तो ये ग्रेटर देन है या लेसर देन है, बिल्कुल ये कंफ्यूजन होता है। देखो अगर आपका लिखा है 34 और ग्रेटर देन का सिंबल है, लिखा है 35, तो हम लोग ये चेक करा रहे हैं कि 34 इज ग्रेटर देन 35, ठीक है, जो कि गलत है, तो रिटर्न क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा आपका, है ना। अगर आप लिखो 35 इज ग्रेटर देन 34 तो वो सही आएगा, ट्रू रिजल्ट आएगा उसका। तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि अगर मैंने लिखा है यहाँ पर ये इक्वल टू क्या है 34, और हम लोग चेक करें ग्रेटर देन और इक्वल टू 35, तो यहाँ पर अगर मान लो कि भाई मैंने लिखा 35 35, अब इसका मतलब ये हुआ कि भाई वह मार्क्स जो है या तो 35 हो या 35 से ज़्यादा हो, तो ये कंडीशन ट्रू है, यानी कि बच्चा पास हो गया। देखो पास हो गया, हो गया ना पास। अब यहाँ देखो समझो इसको, देखो मैथ पानी क्लियर हो, यहाँ क्लियर हो जाएगा। हमने यहाँ पर जाके लिखा एग्जाम्पल के लिए 40, ठीक है, हमने क्या बोला वेरिएबल मार्क्स की वैल्यू क्या है 40 है। हमने यहाँ पर चेक करा मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 35, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू आर पास। फेल क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोग ये बोल रहे हैं या तो ज़्यादा हो या 35 के बराबर हो। लेकिन ये फेल कब हो जाएगा, जब आप इसको यहाँ पर जैसे करोगे ना कि 35 से नीचे, तो ये फेल हो जाएगा। देखो अब क्लियर हुआ, तो ये चेक करता है या तो उससे ज़्यादा हो या उसके बराबर हो, तब तक ये सही चलता रहेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। चलो तो यहाँ पर हम लोगों ने चेक किया था कि भाई मार्क्स जो है हमारे पास 34 है, और यहाँ पर लोग चेक करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 35 हो, तो ये यहाँ पर हमें फेल पास का रिटर्न करेगा इस केस में, तो इसने हमें फेल रिटर्न करा क्योंकि वैल्यू है 34, हम लोग चेक करा रहे हैं 35 के अगेंस्ट इस चीज़ को। फिर अब आता है आपके पास इफ एल्स और एल्स इफ, यानी कि आप इफ और एल्स के बीच में भी लॉजिक बैठा सकते हो अपने कुछ और, है ना। तो जैसे हमने अब लिखा इफ अंडरस्कोर एल्स अंडरस्कोर इफ, इफ एल्स इफ, ठीक है। चलो यहाँ पर अब इसके लिए कुछ एग्जांपल बना दो, जैसे हम यहाँ पर जाके कुछ बनाते हैं वेरिएबल लाइक, यहाँ से उठा लो आगे थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा, हमने इसको कॉपी किया पहले, मैं एक एग्जांपल इसके ऊपर बना के दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या था कि भाई अगर टाइम लेस देन, एग्जांपल के लिए 10 है, तो रिटर्न आए गुड मॉर्निंग, ठीक है। एल्स एल्स जो आए वो क्या है गुड डे, ठीक है। तो ये फेल्स का बन गया हमारा, तो देखो हमारा टाइम 12 से ज़्यादा हो रखे, 1:12 हो रखे, हम चेक करा रहे हैं लेस देन 10, कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या चलेगा गुड डे, चला के देख लो चाहे तो। अब मुझे लगता है कि भाई 1:30 या 2 बजे मेरा लंच टाइम स्टार्ट हो जाएगा, तो मुझे एक और लॉजिक बैठाना है। हम यहाँ पर चेक करने जाते हैं एल्स इफ, और हमने कर्ली लगा के बैंड करा, हमने यहाँ पर लिखा कि इफ टाइम यानी कि एच आर टू टाइम्स इक्वल टू अगर होता है 14, यानी कि 2 बज गए ना, 12, 13 पर 1 हो गया, 14 पर 2 हो गए, तो हम यहाँ पर बोलेंगे लंच टाइम स्टार्ट, ठीक है। बट 14 तो बजे नहीं हमारे कंप्यूटर में अभी, तो क्या होगा, अभी तो ये चलेगा नहीं ना, ज़रा चला के देखो गुड डे आ रहा ना, तो नंबर तो हमारे हाथ में, टाइम को पीछे कर लेते हैं, रियल में तो नहीं जा सकते, यहाँ कर सकते हैं, तो यहाँ पर जाके कितना लिख दें 13 लिख लें, तो कंडीशन ट्रू होगी हमारी, क्या लिखा आ रहा है, चलो बैच ऊपर, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पर चेक कर लेंगे फिलहाल के लिए कि भाई 12 पे मैं लंच टाइम स्टार्ट कर देता हूँ, और 1 पर मैं बोलता हूँ लंच टाइम ओवर हो गया, तो मैंने देखो यहाँ पर जाके लिखा 13 पर लंच टाइम ओवर, अब क्या लिखा है ना, तो मैं कंप्यूटर का टाइम चेंज कर, तो मैंने वहाँ पर फिलहाल वैसे टाइम चेंज कर दिया है ना।
तो मैं जब फाइल को सेव करूँगा तो मैं इसको ऐसे कर दूंगा कि भाई ये है 14 और एक घंटे का हमारा लंच टाइम है, तो हमने 15 वाला ओवर हो जाएगा, जैसे 2 बजेंगे तो स्टार्ट हो जाएगा, 3 बजेंगे तो अब ये तब चलेगा। लेकिन मैं चेकिंग दिखा दी तुम्हें करके, चेकिंग मैंने करके दिखा दी ना तुम्हें, तो अभी क्या चल रहा होगा, गुड डे चला होगा, जैसे कंप्यूटर 2 बजे खटाक लंच टाइम स्टार्ट में मैसेज चेंज हो जाएगा हमारा, ठीक है। क्या लिखा रहा है, कंडीशन अच्छे समझ में आई, इफ एल्स और एल्स इफ। इफ यानी कि अगर फॉल्स हो गया तो कोई आउटकम नहीं होगा, इफ एल्स यानी कि अगर इफ फॉल्स जाएगा तो एल्स ट्रिगर होगा, और इफ एल्स और एल्स इफ यानी कि इफ कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो एल्स, और अगर एल्स से पहले अगर आपका एल्स इफ ट्रू हो रहा होगा कहीं पर तो उसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग मल्टीपल लॉजिक बिठा सकते हैं। तो ये मैंने टाइम के साथ दिखा दिया, मैं इसको वापस से कमेंट कर देता हूँ, हम कुछ दूसरा एग्जांपल बनाते हैं। ऊपर वाला क्लियर हो गया ना, मैंने उसको कमेंट कर दिया, ठीक है, डिलीट नहीं कर रहा हूँ, प्रैक्टिस क्लब के रह जाएगा। हमने लिखा वेरिएबल डे इक्वल टू, क्या लिखा हमने, 1। हमने यहाँ पर लिखा इफ डे 2 टाइम इक्वल टू 1, तो क्या लिखा है, मंडे। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ जाके एल्स इफ, क्या लिखा हमने, डे 2 टाइम्स इक्वल टू, अगर 2 है तो इसका रिजल्ट क्या है, ट्यूसडे, सही है ना, ऐसे चलाते जाओ, वेडनेसडे, समझदार है, मैं क्या चाहता हूँ, ठीक है, ये हमने सब चला दिया इस तरह से, ठीक है। अब मैंने एक बनाया है यहाँ पर एल्स, अब मुझे कितना का मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे रह गया ना, संडे को लिया, बात एलिफ चलता है, मैंने यहाँ पर लास्ट वाला लिखा एल्स, ठीक है, और मैंने यहाँ पर जाके डिफाइन करा इनवैलिड डे, भाई दिन साथ ही होते हैं ना, है ना, अगर 1 से लेकर 7 में जो यूजर कोई नंबर देगा तो वो दिन अपना रिटर्न आ जाएगा, अगर वो नंबर मैच नहीं करेगा तो हमारा एरर कर जाएगा, तो भाई आज क्या है, सैटरडे है ना, तो मैं ऊपर क्या नंबर दे दूँ, 6। तो देखो सारे प्रोग्राम में से जहाँ 6 मैच होगा वो दिन आपको प्रिंट हो जाएगा, अगर मैं सही हूँ तो देखो क्या आ रहा है, सैटरडे आ रहा है। अब किसी ने कलाकारी के ऊपर जाके भी शायद यहाँ पर मैं जाके 8 कर दूँ 9 कर दूँ, तो इस्लाम का तो कोई वो है ही नहीं कंडीशन हमारे पास, क्या लिखा गया, एक बार एग्जांपल से समझ में आया। तो अगर आप एक लॉजिक को मल्टीपल स्टेट पर चेक करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में इफ एल्स और एल्स इफ तीनों को हम लोग यूज़ कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पर अगर ना डालूँ और ये ब्लैंक आए तो यूज़र कन्फ्यूज़ की भी क्या है, तब इससे पता चल रहा है ना कि तुमने दिन जो डाला है वो इनवैलिड है, 7 ही दिन होते हैं, 8वां दिन तो होता ही नहीं, इसे आउटपुट नहीं आ रहा उसका कुछ भी, है ना, क्या हाँ अगर बना दोगे कुछ तो आ जाएगा, ठीक है, बट एक्चुअल में होता नहीं ना वैसा, तो इसलिए हमने इस चीज़ का एग्जांपल एक बना के समझा। अब हम चाहें तो जैसे हम लोग डेट एंड टाइम सीख रहे हैं जैसे, तो हम चाहें तो आज का एग्जैक्ट दिन क्या है वो निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डेट ऑब्जेक्ट के अंदर से ये पॉसिबल है निकालना। तो मुझे ये पहले ये बताओ इफ एल्स और एल्स इफ समझ में आया बढ़िया से, ऑनलाइन कौन है भाई, सिद्धांत है कौन है, शिवम, शिवम तो इफ एल्स और एल्स इफ के बाद हमारे पास एक और कंडीशन चेक कराने का तरीका है स्विच स्टेटमेंट है, यानी कि आप यहाँ पर जाके एक बना लोगे एग्जांपल नंबर 4 जावास्क्रिप्ट स्विच, ये भी बड़े काम की चीज़ है, मैं यहाँ से ये सब डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर जाकर हम लोग स्विच के लिए काम करेंगे। तो जैसे हमने एक वेरिएबल बनाया लाइक ग्रेड, ग्रेड हमने क्या दिया ए, ठीक है, ए ग्रेड, यहाँ पर जाके हम डिफाइन कर देंगे स्विच
टेस्ट भी बिल्कुल इफ की तरह ही चलता है, आपको सेम वैसे ही लिखना है, ये लॉजिक कंटेन करेगा। हमने क्या लिखा है पर ग्रेड, ग्रेड क्या है, वेरिएबल है जिसके पास क्या है, ए की वैल्यू है ना। हमने यहाँ पर उसको एंटर किया, हमने जाके डिफाइन किया केस ए, और केस ए पे मैं डिफाइन कर देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैंने जाके मैसेज यहाँ पर लिखा द स्टूडेंट हैज सिक्योर्ड ए ग्रेड। इसी तरह से हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, ब्रेक, फिर लिखेंगे केस बी, स्टूडेंट ने बी ग्रेड सिक्योर किया है, और यहाँ पर ब्रेक करेंगे। फिर हम लोग एक यहाँ पर सी ग्रेड बना देंगे, और यहाँ पर लिखा जाएगा स्टूडेंट ने सी ग्रेड यहाँ पर लिया। अब ऐसे आपको समझ आ गया ना, कितने भी ग्रेड हमने लगा लो पर बनते चले जाएंगे। हम लास्ट में क्या करते हैं, बनाते थे डिफॉल्ट मैसेज, मैं बताता हूँ इसका। हमने यहाँ जाके डिफाइन कर देना है स्टूडेंट जो फेल हो गया, ठीक है, द स्टूडेंट हैज नॉट सिक्योर्ड एनी ग्रेड, है ना, कंट्रोल एस। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं ब्रेक ना लगाऊं और आपने ए ग्रेड यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे फाइल को जब आप राइट क्लिक करके इसको चेक करेंगे सर्वर के ऊपर, तो क्या लिखा रहा है, स्टूडेंट हैज सिक्योर ए बी सी, और हमारा मैसेज सब प्रिंट हो गए। हम चाहते हैं जो ग्रेड मैच हो रहा है वही प्रिंट हो, बाकी प्रिंट ना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर केस के बाद में केस को ब्रेक कर देना है। अब ये कोड आगे इटरेट नहीं होगा। अब आउटपुट क्या आ रहा है, ए। अब मान लो ऊपर वैल्यू जो चेंज होगी, जैसे बी होगा, अब आपका कौन सा केस चल रहा है, बी, सी केस हुआ, सी आ गया, आपने लिखा डी वाला ही पास होता है क्या, तो डी पर क्या हो गया, मैसेज चल गया डिफॉल्ट पे कि भैया दिस स्टूडेंट हैज नॉट सिक्योर्ड एनी ग्रेड, समझ में आया, दिस इज स्विच। तो स्विच से भी हम लोग डे वाला लॉजिक पूरा बना सकते हैं, आप डेट डे वगैरह निकाल सकते हो, मंथ वगैरह निकाल सकते हो, उसके अंदर चल जाएगा। फिर से इसको कॉपी किया, अब की बार हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर का दूसरा ऑपरेटर चेक करेंगे। हमने क्या लिखा, ट्रिपल इक्वल टू, लेकिन वेरिएबल क्या था हमने, डब्लू, और यहां जाके हम लोग चेक करेंगे एक्स ट्रिपल इक्वल टू डब्लू, ठीक है,
और आउटपुट चेक करो क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, बड़ा कन्फ्यूजन है, ट्रू तो इसमें भी ट्रू इसमें भी, तो सही क्या है ना। तो दोनों में से किसका इस्तेमाल कब और कहाँ करना है ना। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको यहाँ पर ये बोलूँ कि भाई एक्स और वाई दोनों के पास वैल्यू है, ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या बोला एक्स और जी, इसको मैं कोट में डाल देता हूँ, अभी क्या बन गई स्ट्रिंग वैल्यू बन गई ना। जरा पहले वाले को चेक करो वो आउटपुट क्या दे रहा है आपको, यही तो इसलिए तो ट्रिपल इक्वल टू यूज करते हैं लोग। अब बताते हैं, अब आप यहाँ जाके चेक करो इसी चीज को, x ट्रिपल इक्वल टू y, सॉरी z को करा ना हमने, z लिखो और यहाँ पर जरा z को लिखो, तो इसका आउटपुट नहीं आना चाहिए। ये डबल वाला जो होता है कंफ्यूजिंग होता है, उसने ये चेक करा कि भाई आपका जो x के अंदर नंबर है क्या वो z के अंदर है, उसने ढूंढ लिया हाँ है, लेकिन ट्रिपल वाला ये कहता है कि भाई दोनों के अंदर जो डेटा है और उनका टाइप क्या वो सेम है या नहीं है। मतलब ऐसा समझो मेरे पास दो बॉल है, दोनों बॉल में कर्ड रखा हुआ है, एक स्टेनलेस स्टील है और एक मेरा सिरेमिक है ना, तो यानी कि डेटा जो है वो तो सेम ही है लेकिन जो टाइप है जिसमें होल्ड है वो अलग है, तो यानी कि ट्रिपल इक्वल टू टाइप को भी चेक करता है। तो इसलिए ट्रिपल इक्वल टू ही लगाना है सबसे ज़्यादा, डबल इक्वल टू नहीं लगाना, डबल इक्वल टू हमारे जैसे लोगों के लिए, तो मॉडर्न स्टूडेंट्स के लिए ट्रिपल इक्वल टू चलाना, डबल इक्वल टू बोल जाओ कि होता भी है, ठीक है, क्योंकि नहीं तो ये तुम्हें धोखा दे देगा कहीं भी, ठीक है। तो क्लियर, तो ये टाइप को भी चेक करता है। इसलिए इसका आउटपुट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। फिर हम लोग चेक करेंगे यहां पर नॉट इक्वल टू, हम यहां लिखेंगे नॉट का सिंबल होता है एक्सक्लेमेशन इक्वल टू एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, तो वाई कितना 20 है, एक्स की वैल्यू 10 है तो बराबर नहीं है, तो यहां पर हम लोग जाकर डिफाइन कर देंगे एक्स एंड वाई आर नॉट सेम, सही है ना, एक्स एंड वाई आर नॉट सेम। तो इसका अगर आप रिजल्ट ऊपर लेना चाहते हो तो एल्स में इसका प्रिंट करा सकते हो, खाली ना जाए उससे बचने के लिए आप यहां पर कर सकते हो। इसको ट्रू कर देंगे, इसको फॉल्स कर देंगे, फॉल्स है तभी तो प्रिंट हो रहा है, अगर ट्रू होता तो ये चल जाता, ये क्या फॉल्स है भाई, डेटा बराबर नहीं है, टेन टेन तो है लेकिन एक स्ट्रिंग है एक नंबर है, हमने इसका पता लगा लिया। इसी तरह से इसमें भी आपको मिलेगा टू टाइम इक्वल टू, ये भी टाइप को चेक करता है, ठीक है, हमने लिखा एक्स और वाई और यहाँ जाके लिखेंगे एक्स और वाई आर नॉट, ठीक है, फिलहाल आपको ये देगा। अब मान लो कि मैं ऊपर वाले में यहाँ पर इसको फिलहाल के लिए मैं कोट कर देता हूँ, थोड़ा सा चेंजेस आएंगे बट आप नॉट इक्वल वाले पे ध्यान देना, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा रहा है एक्स एंड वाई आर नॉट सेम, ठीक है, तो ये सेम के लिए, अगर ये दोनों सेम सेम हो जाएंगे, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर जाके क्या कर देता हूँ वाई की वैल्यू अभी के लिए 10 चला गया, देखो क्योंकि वो नॉट पर ही आएगा, ट्रू होगा तो नहीं आएगा, लेकिन नीचे वाला क्या कह रहा है कि भाई सेम नहीं है क्योंकि आपका एक जो स्ट्रिंग है और एक जो नंबर है, स्पेस तो रहेगा कि बी आर लगा रखा ना मैंने, इसलिए मैंने समझाने के लिए डाल दिया। फिर आपका आता है ग्रेटर देन, क्या लिखेंगे यहाँ पर वाई इज ग्रेटर देन, भाई जो है एक्स से बड़ा है, तो देखो जरा
साक्षी, वाई बड़ा है ना एक्स से, तो देखो यहाँ पर इसका रिजल्ट क्या आएगा, वाई इज ग्रेटर देन एक्स। फिर कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, अब की बार हम लोग चेक करेंगे, जेड इज, जी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स। सारे कंपैरिजन ऑपरेटर पूरे हो गए। नहीं, कंपैरिजन डबल नहीं आता। तो चलिए यहाँ पर आप देखेंगे, हमने यहाँ पर चेक किया y इज ग्रेटर देन x जो कि बिल्कुल सही है, z इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x, तो जरा z की वैल्यू देखो कितनी है, 10, ठीक है, तो z की वैल्यू या तो इक्वल हो या उससे ज़्यादा हो, ठीक है, तो ये ट्रू रहेगा। लेकिन z की वैल्यू अगर आपकी डिफरेंट होगी तो ये आपका काम नहीं करेगा। फिलहाल मैं इसका, हाँ तो अभी के लिए तो ले ही लेगा ना, इसे मैंने हटा दिया है, हाँ रिकॉर्डिंग चल रही होगी, ठीक है। तो z इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x, तो z की वैल्यू क्या है, z जो है वो x के बराबर हो या बड़ा हो, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू को छोटा कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ यहाँ पर टेस्टिंग के लिए फिलहाल के लिए, मैसेज को गायब हो जाना चाहिए, यहाँ पर जाकर सेव करो और यहाँ पर जाकर रिफ्रेश करो, एक सेकेंड, हमने गलत वैल्यू चेंज की है, यहाँ करो, अब चला जाएगा। z इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, z या तो बड़ा हो या बराबर हो, लेकिन अब ना तो बड़ा है ना ही उसके बराबर, उससे नीचे चला गया, तो मैसेज अपना चला गया यहाँ से। इसी तरह से आपका x है, x इज लेस देन y, बिल्कुल सही है, x इज लेस देन और इक्वल टू y, तो जब तक आप 19 तक ले जाओगे x को, तब तक ये यही मैसेज आता रहेगा, x इज लेस देन और इक्वल टू y। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर वैल्यू को 21 करूँ, देखो नीचे वाला मैसेज चला गया अपना, इस तरह से। तो ये आपके कंपैरिजन कराने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, और इन्हीं से ही पूरा लॉजिकल प्रोग्रामिंग आपकी रन करती है। तो अब लेस देन और इक्वल टू में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना साक्षी, और रहेगा भी तो और आगे बहुत सारे एग्जांपल आने वाले हैं, उसमें क्लियर हो जाएगी।